नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन के हाथों की कठपुतली बन चुके नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को अब लेने के देने पड़े हुए हैं। अभी तक शांत बैठे भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया है। पानी सिर से ऊपर जा चुका था और यह नेपाली जयचंद सारी हदें पार करके एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहा था। अब ओली की झोली गुम होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किसी भी वक्त पीएम के पद से उनका पत्ता कट सकता है। कल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की बैठक ने ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। 44 सदस्य समिति में केवल 14 सदस्य ही ओली के पक्ष में नजर आए, मगर अब वह भी भारत से रिश्तों को निचले स्तर पर ले जाने के लिए ओली को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल प्रचंड और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने ओली की जमकर निंदा की है। बड़ी बात यह है कि पार्टी में अपने खिलाफ बढ़ते असंतोष को देखते हुए ओली इस बैठक में शामिल ही नहीं हुए। ओली ने भारत पर इशारों में आरोप लगाया है कि नई दिल्ली उनकी सरकार को उखाड़ने के लिए नेपाल में बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। उनका आरोप है कि भारत खुफिया एजेंसी रो पिछले हफ्ते से काठमांडू में डेरा डाले हुए है। उधर पार्टी मुखिया प्रचंड का कहना है कि ओली ने भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों को आघात पहुंचाया है। उनकी भारत विरोधी सोच पार्टी की नीतियों से मेल नहीं खाती है। ओली के गलत फैसलों की वजह से दोनों देशों के नागरिकों में अविश्वास की खाई ज्यादा गहरी हुई है। उनका इस्तीफा ही नेपाल के हित में है। अगर उन्होंने जल्दी पद नहीं छोड़ा तो फिर उनकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। खास बात यह है कि ओली के अनगरल आरोप पर भारत ने चुप्पी साध ली है। भारत खामोशी के साथ नेपाल में बदल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। लेकिन इस तमाम उथल पुथल में चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पार्टी ने नेपाल के मानचित्र में संशोधन को लेकर पीएम ओली की तारीफों के पुल बांधे थे, उसी ने उन्हें सबसे विफल प्रधानमंत्री करार दिया है। ओली को यहीं से भारत की साजिशों की बू नजर आ रही है, क्योंकि अब उसी की पार्टी कह रही है कि ओली की विदेश नीति कमजोर है। उन्होंने भारत से बातचीत करके मसले को नहीं सुलझाया है, यानी ओली की डोली उठने का वक्त आ चुका है। हमने पहले भी कहा था कि ओली सरकार की भारत विरोध को बड़ी कीमत चुकानी होगी। पिछले कुछ दिनों से नेपाल में बड़ी महंगाई और तेज होते विरोध प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि यहाँ के नागरिक बिना भारत के किसी अनाथ की तरह है। पीएम ओली ने इन्हें भारत से दूर करने का जो षड्यंत्र रचा था, अब वह उन्हीं की कुर्सी लील रहा है। हालांकि जाते जाते उन्होंने नेपाली संसद से हिंदी हटाने की कोर्ट से अपील कर दी है, मगर नेपाल का हिंदी भाषी मधेशी समुदाय भी अब ओली पर आग बबूला हो गया है। उन्होंने उनके फैसले के खिलाफ विरोध जताया है, यानी ओली ने अपने खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। दरअसल केपी शर्मा ओली चीन के चंगुल में इस कदर उलझ चुके थे कि जिससे उन्हें लगता था कि भारत के बगैर नेपाल आत्मनिर्भर नेपाल बन सकता है। उन्होंने चीनी बहकावे में नेपाल को पूरी तरह चीन पर आश्रित बनाने का दुस्साहस किया, जिसका फायदा उठाने में चीन ने तनिक भी देर नहीं लगाई। उसने नेपाली स्कूलों में मदारिन भाषा का प्रसार शुरू कर दिया और मदारिन पढ़ाने वाले नेपाली टीचर्स को चीनी दूतावास के माध्यम से वेतन भी दिया जाने लगा। साथ ही छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम भी चला दी गई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को शुरुआत में चीन का यह प्यार बहुत भाया, मगर जैसे ही चीन ने उसकी सीमाओं पर अतिक्रमण शुरू किया, इनके होश ठिकाने आ गए। अभी चीन द्वारा नेपाल की 150 एकड़ जमीन कब्जा ली गई है। रुई नामक गांव तो पूरा का पूरा तिब्बत में शामिल कर लिया गया है, जबकि इसके बावजूद वह नेपाल में भारत का विकल्प नहीं बन पाया। नेपाल को भारत से निर्यात सीमित होने के चलते यहां महंगाई ने पिछले 30 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं, जिसके बाद सिर्फ जनता में गुस्सा पनप रहा है, बल्कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को भी अपना जनाधार खतरे में दिख रहा है। शायद यही वजह है कि पार्टी मुखिया पुष्प कमल दहल प्रचंड को इस मुसीबत से बचने का एक ही विकल्प नजर आता है, यानी पीएम ओली को सत्ता और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर कमान अपने हाथ में ले ली जाए। पर नेपाल का यह मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। भारत इतनी आसानी से पीएम ओली को पकड़ने के मूड में नहीं है। भारत खामोश है, ओली उसी खामोशी की वजह से जोश में आए थे। यही खामोशी उनका राजनीतिक कैरियर खाने जा रही है। यकीनन भारत अपनी कूटनीतिक सरगर्मियां उस चरम पर ले जाना चाहता है ताकि नेपाल में ओली जैसा जयचंद फिर से पैदा नहीं हो सके। ओली को लगता था कि उनकी पार्टी भारत विरोधी है, मधेशी ज्यादा ताकतवर नहीं रहे हैं, इसलिए वे जो फैसले करेंगे उनका देश चुपचाप मानता चला जाएगा। मगर इस अति आत्मविश्वास में ओली यह भूल गए कि नेपाल में बिना भारत की इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
भारत अगर नेपाल से अपने रिश्ते खत्म कर दे तो यह देश न केवल राजनीतिक रूप से तबाह हो जाएगा बल्कि यहां दाने दाने के लाले पड़ सकते हैं। भारत बड़ा भाई होने के लिहाज से नेपाल की गलतियों को माफ करता रहा है, मगर चीन माफ नहीं करता, वह पूरी तरह साफ करता है, जैसा कि उसने करना शुरू भी कर दिया है। भारत ने $1.5 अरब की मदद करके मालदीव को चीन के चंगुल से बचाया है। अगर नेपाल नहीं सुधरा तो उसे एक ढेला भी नहीं मिल पाएगा। नेपाल को याद रखना चाहिए कि उसकी सेना के पास मौजूद वर्दी से लेकर बंदूक हेलीकॉप्टर तक भारत के ही दिए हुए हैं, इसलिए नमक का लिहाज करना ज्यादा जरूरी है। जो नहीं करता उसे हिंदुस्तान में जयचंद का तमगा मिलता है, और आज का भारत जयचंद को उभरने का ज्यादा अवसर नहीं देता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।